तो आगे आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारी स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस का कैंसिलेशन का न्यूज़ आ जाना चाहिए, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। प्यारे बच्चों, आज की जो हियरिंग थी वो बहुत ही क्रूशियल थी, बिकॉज जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक सर्कुलर जो नोटिफाई किया गया है CBSE के द्वारा, उन्होंने वो कोर्ट को सबमिट किया था। कोर्ट ने उसको स्क्रूटनाइज किया, कोर्ट ने बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए। कोर्ट ने कहा कि इस सर्कुलर में आपने जो ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी आपने जो मेंशन किया है वर्ड, वो आप क्या असेसमेंट पैटर्न यूज़ करोगे, किस बेसिस पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, वो मेंशनड नहीं है। उससे फर्दर जो है आगे बहुत एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी और उसके ऊपर फर्दर आगे इशूज़ क्रिएट होंगे, तो रिजल्ट टाइम से डिक्लेयर नहीं होगा। तो आप जो है विद इन 2 वीक्स एक डिटेल्ड असेसमेंट का जो स्कीम आप अडॉप्ट करने वाले हो उसको फाइल कीजिए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसका ध्यान रखा जा सके। क्योंकि हम अगर देखें क्लास 10th का जो है एग्जामिनेशंस 14th of April को कैंसिल हो गए थे, लेकिन अभी तक इट्स बिन मोर देन 1.5 मंथ, अभी तक उनका कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। देर इज़ अ पेंडिंग लिटिगेशन इन दिल्ली हाई कोर्ट, जहाँ पे जो मैथडोलॉजी CBSE ने प्रपोज की रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, उसको चैलेंज किया गया है। तो जब तक ये सारे इशू सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो 10th का रिजल्ट नहीं आएगा। वही चीज़ 12th के बच्चों के साथ ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप चाहे रात भर जाके काम कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें आप जल्दी से जो भी आपको मेथडोलॉजी फाइनल करनी है उसको फाइनल करके हमारे सामने रखिए, ताकि हम इस इशू को ख़त्म कर सकें और जो बच्चों का रिजल्ट है वो टाइम से आ सके। अब उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारा बचता है वो स्टेट बोर्ड के बच्चों का बचता है, बिकॉज मोर देन 1.2 करोड़ अप्रॉक्स 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स वो स्टेट बोर्ड के हैं। कुछ स्टेट बोर्ड्स ने कैंसिल कर दिए हैं एग्जामिनेशन, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। ऐसे ही अभी उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में बहुत सारे अलग स्टेट बोर्ड्स भी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये मुद्दा उठाया था बहुत स्ट्रांगली, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो है यूनिफॉर्म डायरेक्शंस बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चों के रिस्पेक्ट में भी आप पास कर दीजिए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इस दुविधा से बाहर आके फर्दर अपना जो है पढ़ाई पे फोकस कर सके। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस समय सिर्फ इतना कहा कि आप लोग पेशेंस रखिए, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस क्राइसिस की सिचुएशन जो बच्चों के लिए अराइज हो गई है उससे कैसे उनको निपटना है, कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने कहा कि वो खुद से बहुत चिंतित हैं, चाहे वो बच्चे CBSE के हो, ICSE के हो या अदर स्टेट बोर्ड्स के, तो सबके इंटरेस्ट का वो ध्यान रखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑब्जेक्टिव मैथडोलॉजी जो है वो एक फाइनल हो जाए गवर्नमेंट के एंड से, ताकि फर्दर रिजल्ट डिले ना हो। तो अभी के लिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप पेशेंस रखिए और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसका वो ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, यही चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग पेशेंस रखिए। देर इज़ अनदर पिटीशन जो है वो एक फ़ाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड्स को पार्टी बनाया गया है। वो अभी कोशिश करेंगे कि उसको जितना जल्दी से जल्दी लिस्ट करा पाएँ, ताकि उसमें हियरिंग अलग से मिल जाए, ताकि स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को की जो एक टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत सारी इंटरनल मीटिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं गवर्नमेंट के एंड से अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, तो आगे आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारी स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस का कैंसिलेशन का न्यूज़ आ जाना चाहिए। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी तक हम बहुत स्ट्रांगली आगे एक साथ एक दूसरे के खड़े होकर कॉन्टेस्ट किया है और हमें रिलीफ भी मिला है। तो जो कुछ स्टेट बोर्ड्स बचे हैं और जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं, उनका इशू भी जल्दी रिजॉल्व होगा। तो उसके लिए जस्ट बी पॉजिटिव, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। ठीक है, टेक केयर।